हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत नए समय के साथ। तो अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं, हम आए हैं छत पे नहाने के बाद। और जी बादल बहुत अच्छे हो रहे हैं, देखो कितने अच्छे बादल हो रहे हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा है, एकदम से ठंडा ठंडा। अभी अर्णिका भी उठ चुकी है, और अर्णिका के पापा नहीं उठे हैं अभी तक। देखो छोटा बच्चा उठ चुका है लेकिन ये नहीं उठे। देखो और चद्दर ओढ़ देख के पहले उठते हैं और फिर थोड़ी बहुत देर फोन चलाते हैं। तो यहाँ से हम लेके गए थे लकड़ी, लकड़ी जो है उखड़ बुखड़ हो चुकी है क्योंकि गिर गई थी हमारे से। तो इन्हें इकट्ठा करके रखेंगे और यहाँ पे वो झाड़ू लगाएंगे। वैसे तो झाड़ू लगाई थी मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पे, लेकिन फिर भी बारिश हुई ना तो इस वजह से हल्के फुल्का सा गर्दा हो जा रहा है। तो नीचे से लेके आएंगे रड़का और इन लकड़ियों को ना अच्छी तरीके से बांध के रखेंगे। पहले एक साइड में रख देंगे और गुस्से हैं जो इन्हें सही करेंगे। एक साइड में हमने पल्ली डाल रखी क्योंकि इधर ना जो बारिश होती है पिछवाड़ पड़ते हैं तो फिर सारे गुस्से ख़राब हो जाए, गल जाए, तो भाई बहुत मतलब कि अजीब सा हो जा रहा है इनमें और फंगस भी आ जा रहा है। तो इस वजह से ना पापा ने इस पर पल्ली रख रखी जिससे कि पानी गिरे तो एकदम से बस पल्ली पे गिरे, फिर गुस्से ख़राब नहीं होने के। तो चलिए जी अभी चलते हैं नीचे और नीचे जाके जो है दिखाते हैं आपको कि मम्मी क्या कर रही है। और सुबह का नाश्ता अभी तक नहीं बना है, सुबह का नाश्ता बनाएंगे हम जाकर। तो पापा के लिए बन में है मीठे जमे और हमारे लिए बन में है नमक के जमे, क्योंकि मम्मी मैं अर्णिका अर्णिका के पापा खाएंगे नमक के और पापा चाचा जी खाएंगे मीठे। तो ये सभी चीज़ें भाई 2-4 जने घर में सभी के अलग अलग फरमाइश कि हमें ये खाना है हमें ये खाना है, क्योंकि आज ना सैटरडे है। तो सैटरडे वाले दिन ना जो तीजों से पहले जो हरियाली तीज है ना उससे पहले ना हमारे यहाँ पे एक वो है अख्ते बोलते हैं रखने के लिए, उस दिन ना रोटी नहीं बनाते, जो रोटी सेक है ना वो कच्ची रोटी नहीं सेकते और जी बस सिर्फ चावल दाल ये तो आलू चावल कुछ भी बना लो पर लेकिन रोटी नहीं बनाते, तवा नहीं चढ़ाते। तो चले जी अभी चलते हैं नीचे और कर लेते हैं हम काम। तो गाइस अभी हुआ है सुबह का टाइम, तो यहाँ पे अभी मम्मी बोल रही है जमे क्योंकि थोड़े बहुत होते हैं, 3-4 दिन के हो गए मम्मी। हाँ 3 दिन के, कल तो थोड़े नहीं क्योंकि कल व्रत था ना शिवरात्रि थी। और जी बस थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, देखो ये 3 दिन के ज़्यादा नहीं है, 1 किलो सारे तो होंगे या ज़्यादा ही होंगे 1 किलो तो। हाँ मतलब कि रोज़ ही कम से कम आधे किलो तो टूट ही जाए और पर पूरा दिन लग जाए देखो। और अभी इन्हें भूनने के बाद रख देंगे, ठंडे करने के बाद रखेंगे डब्बे में पैक कर, फिर ना चाहे 1 साल रख लो चाहे 2 साल रख लो ये ख़राब नहीं होते, ना इनमें फोई लगती और जी ना कुछ होता, वरना जो कच्चे रखेंगे ना तो फोई लग जाती है इनमें। हाँ भून के अभी ना उतार के ठंडे कर लेंगे और फिर रख देंगे डब्बे में। पहला मीठे जमे बने, अब भुनने जमे नमक के, क्योंकि आज हमारे यहाँ अख्ते बोलते हैं, अख्ते रखे जाते हैं, रोटी नहीं बनती। हाँ रोटी नहीं सीखती, जो रोटी बनाना तवा नहीं चढ़ता, दाल चावल बनाओगे बस सिर्फ दिन में। और जिस टाइम पे सुबह नाश्ते में जमे, पापा चाचा जी को मीठे पसंद है, उन्हें मीठे दे दे बना के दूध में, और जी हम तीनों जने खाओगे नमक के, और अर्णिका को पसंद नमक के, चारों जने ले बनाएंगे नमक के। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं जमे और टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं यानी कि तड़का लगा दिया है। तो अभी टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे, तो उसमें डाल देते हैं ऊपर से सूखे मसाले। धनिया पाउडर और हल्दी और नमक, अब इसमें डालना है थोड़ी सी मिर्च, ज़्यादा डालना है कम ही डालना है क्योंकि अंडे का भी खा लगे। टमाटर को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें पानी डाल देंगे, फिर जमे डाल देंगे 5 मिनट या 10 मिनट में, मैगी से भी जल्दी बन जाता है। तो गाइस अभी टमाटर बन चुके हैं, नमक भी हमने इसमें डाल दिया है, तो अब इसमें डाल देंगे ऊपर डाल देंगे ऊपर से पानी।
और जी फिर डाल देंगे इसमें जमे। सो गाइस जमे इधर बन चुके, ये देखिए अच्छा बन के देसी मैगी। गरम मसाला भी डाल दिया था हमने इसमें। तो गाइस अभी शाम का टाइम हुआ है, शाम के बज चुके हैं 7 और हम आए हैं छत पे, बिछौना हमने बिछा दिया है और अभी हमें करनी है थोड़ी सी मच्छरदानी की रिपेयरिंग, तो उसे ठीक करना है। तो इधर ये पतिदेव अमरूद खा रहे और रणी का भी अमरूद खा रही इधर, तो मुझे मच्छरदानी छीलनी है। ये रहा सुई धागा, क्योंकि मच्छरदानी फट गई वा, जैसे कि छिटक कहीं कहीं सी छेद खुल रहे उसमें, तो मच्छर तो घुसी जावे। और इसे दिखाइए इधर को, क्या खाया आपने आज? अब अभी तो अमरूद खा रहे, पहले क्या खाया? पहले क्या खाया था? अभी क्या खा के आया आप? क्या खाया? मुंह करिए, मुंह करिए, दिखाइए। हाँ बहुत बड़ा वाला मुंह भाई, इसके भूखा सा लगा इसके अलग में। और अभी इसने खाई है मोमोज स्टीम वाली, इसे है पसंद, क्योंकि अभी ना मिर्च वाली खावे, अंदर नमक मिर्च तो रही उसमें, तो उसे ही खावे। पापा देखो कितने सारे पेड़े, और पक्षी बहुत अच्छे हैं, और बादल एकदम से बढ़िया वाले उधर से उठ के आ रहे बादल, देखो कितने अच्छे बादल आ रहे। वैसे रात को नहीं पापा, ना लग रहा था जाना बारिश होगी। चेरी का देख क्या हाल होगा, गिर गया चेरी वाली, कितनी सुंदर चेरी। उस दिन बारिश हुई ना, सारी की सारी गिर गई, गिरते ही सारे खराब हो जावे, क्योंकि जो पत्ता हो नीचे का हरा हरा सा वो भी वो पेड़ हो जा, और ये मुड़ जा टूट जा पक्षी जावे एकदम। और पक्षी इधर हाँ बढ़िया वाले, बेटा मैं छील लूंगी, मैं छील लूंगी ना है। बस मौसम तो सुहावना है ही, देखो आइए ये अभी ड्यूटी से आए थे और गर्मी हो रही है, क्या शर्ट पहन के गर्मी लगा, फिर आके बनियान में रहा है। डीसीबी में है ना कहीं, ऐसी नहीं है। हाँ गवर्नमेंट हो गया ना वो, तो पंखे चलाया पुराने जमाने के ना। और जो प्राइवेट है बैंक, उनमें बढ़िया एसी वेसी लगी रहा है अच्छी तरह। इसमें एसी नहीं है हमारे को। हाँ जी हाँ, ऐसा क्यों? सरकार को मेल जोड़ डर को जी बेसी लगो, विभाग है सेंट्रल का विभाग है ना, देख लो बड़ी तो है ऐसी बात नहीं। हां मगर ऐसी नहीं है, और मैनेजर के कम उसमें लग रहा है केबल में डीजीबी के, या तो मुजफ्फरनगर में लगे आपको ऐसी काम ले तो है नहीं यार, सोसाइटी में तो है नहीं, सोसाइटी में तो पापा के रहेंगे हमें। तो चलो जी अपना पहले ये काम कर लेते हैं, चांदने चांदने में मच्छरदानी छील दो, ये देखो